Students, welcome back. So students, today in this video we are going to discuss few GS questions of SSC CHSL paper that was held previous year 2019. So this paper was held on 11 July 2019, and I'm gonna discuss each shift's questions, like for morning, evening and afternoon questions we'll discuss, or jitna bhi details hoga we'll discuss about that also. Okay, so let's get started and let's see the first question. So the first question is, which one of the following is not a tributary of river Kaveri? Kaveri ki kaun si tributary nahi hai? Bhavani, Amravati, Kabini and Vaigai. So the correct answer is Vaigai. Vaigai is not the tributary of Kaveri river. So Vaigai hai kya? Vaigai is a river, aur ye kahan par hai? It's a river in Tamil Nadu. Ye Tamil Nadu mein hai aapki, and it passes through the town of Tenai, आदिपति, अंधिपति एंड मदुरई. ठीक है, और इस पे कौन से फॉल्स जो है वो लोकेटेड है, वैगई रिवर पे जो फॉल्स हैं वो कौन से फॉल्स लोकेटेड है? वत्तापराई फॉल्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर. ओके, सो लेट मी डाउन राइट डाउन द स्पेलिंग. इट इज वत्ता, WATTPARAI. ओके, वत्तापराई फॉल्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर. And so the tributaries of this river Vaigai are, the tributaries of Vaigai are river Surugiliari. Let me write down the spelling. Suru, S-U-R-U, L-I-Y-A-R-U. ठीक है. Second river Mullayaru, river Varaganadi and river Manjataru. So आप इसमें देख सकते हैं Vaigai river है. तो इसमें कैसे आप याद कर सकते हैं, सुरुलियारू, देन रिवर मुल्लैयारू, सबके आगे यारू यारू है इसमें, मंजात यारू एंड वराग नदी, एंड वराग नदी. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? रोवर्स कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? लॉन टेनिस, फुटबॉल, स्नूकर और स्विमिंग. सो रोवर्स कप जो है ये आपका एसोसिएटेड है फुटबॉल से. ओके, बाकी आपके कप्स जो हैं बैडमिंटन से भी हैं. बैडमिंटन से कौन कौन से आपके कप जो हैं रिलेटेड हैं? फॉर बैडमिंटन, बैडमिंटन से हैं आपके अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, दीवान कप, चड्डा कप. ठीक है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है इसकी, नारंग कप आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप बैडमिंटन से रिलेटेड है. ओके, बाकी ये डिस्कस करते हैं हम आपके हॉकी से जो है, बैडमिंटन से ही आपका आधा खान कप, बेटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये है आपकी एसोसिएटेड से. चलिए हॉकी से हम देखते हैं, आपका हॉकी से रिलेटेड है आपकी एमसीसी ट्रॉफी, अब्दुल्ला खान कप, रंगस्वामी कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, सहानी ट्रॉफी, ये सब है आपको हॉकी से रिलेटेड. ठीक है, बंदोकर ट्रॉफी, कलिंगा कप. फुटबॉल से देख लेते हैं आपका, हमने हम यहाँ पर देखा तो रोवर्स कप है, तो और कौन कौन से जो है फुटबॉल से रिलेटेड है आपका? संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सिजर कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये है आपके फुटबॉल से जो है रिलेटेड. देन सुब्रता मुखर्जी कप ही आपका फुटबॉल से रिलेटेड है. नाउ टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विताल ट्रॉफी, सो जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है. नाउ सेकेंड इस क्रिकेट से आपके कौन से जो है कप्स रिलेटेड है, ये सारे मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप इसको लर्न कर लीजिए. क्रिकेट से आपके रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रोइंगटन बरुआ ट्रॉफी, सहारा कप, शीश महल ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी एंड विजी ट्रॉफी. नाउ लेट्स गो टू टेबल टेनिस. टेबल टेनिस से आपके कौन कौन से कप्स रिलेटेड है, ये है आपके राजकुमारी कप जो जूनियर गर्ल्स के लिए है, राजकुमार कप है आपका जूनियर बॉयज के लिए, देन जया लक्ष्मी कप ये विमेन्स के लिए है, ट्रेवनकोर जो है ट्रेवनकोर कप है आपका विमेन्स के लिए. ओके, पोलो में देख लेते हैं, पोलो के लिए अर्जरा कप, महाराज पृथ्वी पृथ्वी सिंह गरिया कप, देन राधा मोहन कप, बास्केटबॉल के लिए है आपका बैंगलोर कप, वेट लिफ्टिंग के लिए है आपका बुढ़वान कप. सिमिलरली बास्केटबॉल के लिए आपका बैंगलोर कप, वेट लिफ्टिंग के लिए बुढ़वान कप, ब्रिज के लिए आपका होलकर ट्रॉफी, ये भी पूछा जा सकता है आपका, ब्रिज के लिए है आपका होलकर ट्रॉफी. देन एयर रेसिंग जो है आपका ये है जवाहरलाल चैलेंज, बाकी बोट रेसिंग है आपका नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, और टेनिस के लिए आपका राजेंद्र प्रसाद कप,
सो इसी तरीके से आपके जो है कप्स इसमें एसोसिएटेड है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. क्वेश्चन नंबर 3 इज द सामाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंड बाय. द सामाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी किसने फाउंड करी थी, गौतम कुमारिला, भट्टा, पतंजलि या कपिला. द आंसर इज कपिला. करेक्ट आंसर इज कपिला. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज जस्टिस राजेंद्र सचार कमिटी वॉज सेट अप टू स्टडी. जो ये कमिटी थी ये किस लिए सेटअप की गई थी. ये कमिटी का गठन हुआ था टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. ये देखिए आपको अलग अलग कमिटीज जो है ये आपको लर्न करनी होंगी, ठीक है. उसमें आपको जो है रोल आपको लर्न करने होंगे उसके. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इंटरनेट से सारी कमिटीज का वो डाउनलोड कीजिए एंड वो लर्न कर लीजिए. सो यहाँ पर मैंने कुछ कमिटीज आपकी डिस्कस करी हैं जो कि 2019 में जो है इनका फॉर्मेशन हुआ था. अब देखिए सबसे पहली है कमिटी ऑन एलपीजी मार्केटिंग. कमिटी ऑन एलपीजी मार्केटिंग ये हेड करी थी, इट इज हेडेड बाय किरित पारेख एंड फॉर्म किसने करी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. नाउ क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड ये भी एक कमिटी है जो कि हेडेड बाय बिप्लब कुमार शर्मा एंड फॉर्म बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री. इसको किसने बनाया था, यूनियन होम मिनिस्ट्री. नाउ द थर्ड कमिटी इज लॉजिस्टिक डेवलपमेंट कमिटी, इट इज हेडेड बाय डॉक्टर बिबेक दिब्रॉय एंड फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कमिटी ऑन स्क्रैपिंग ऑफ ए एफ एस पी ए, इट इज हेडेड बाय बी पी जीवन रेड्डी एंड इट इज फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ कमिटी ऑन रिव्यू, कमिटी टू रिव्यू वेलफेयर ऑफ ट्राइबल स्कीम इन महाराष्ट्र, इट इज हेडेड बाय विवेक पंडित एंड इज फॉर्म बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट. नाउ द अनदर कमिटी इज कमिटी टू इम्प्लीमेंट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है. एज यू नो कि पॉल्यूशन की काफी समस्या आ गई थी तो एक कमिटी का गठन हुआ था. ये आपसे पूछा जा सकता है 2019 में. कमिटी टू इम्प्लीमेंट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एंड इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी इन यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है आपके, उसके द्वारा ये हेडेड की गई और फॉर्म्ड. गठन किसके द्वारा किया गया, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. इट्स इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लीजिए. नाउ द अनदर कमिटी इज सेफ्टी मैनुअल फॉर CPWD एंड इट इज हेडेड बाय KM सोनी एंड बनाई किसने थी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है प्लस इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है. सो लेट्स सी दिस. सबसे पहला यूनिसेफ को हम देख लेते हैं. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में. नाउ UNFPA का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क. UNCTAD अब इसका फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा. सबसे पहले आप एक काम कीजिए, न्यूयॉर्क, जेनेवा, इस तरीके से अलग अलग करके लिख लीजिए, ठीक है. उससे आपको क्या होगा, एक स्टेट वाइज आप सारी की सारी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस एक उसमें लिख लीजिए. उससे आपको लर्न करने में जो है इजी हो जाएगा. ओके, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस. रेड क्रॉस का कहाँ पर है इंटरनेशनल कमिटी, वो है आपका जेनेवा में, ठीक है. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ पर है, ये भी आपका जेनेवा में है. वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इन जेनेवा. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए. सब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. हमेशा SSC जो है इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इट्स इन जेनेवा, ठीक है. नाउ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस. UN वुमेन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, न्यूयॉर्क. OECD फुल फॉर्म ऑफ OECD इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस. नाउ UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है वेना में. चलिए आगे चलते हैं. एटॉमिक एनर्जी का है जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है आपकी इंटरनेशनल, वो कहाँ पर है, वेना में. OPEC का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, OPEC का हेडक्वार्टर. OPEC है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं जो कंट्रीज, ये है आपका हेडक्वार्टर वीना में.
VIENNA, IMF International Monetary Fund अक्सर पूछा जाता है। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स लंदन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग। नाउ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फूड एंड एग्रीकल्चर इज इन बर्लिन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का कहाँ पर है, इट्स इन रोम। अनदर वन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ब्रुसेल्स, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो इज इन ब्रुसेल्स। Transparency International is in Berlin, not that important. International Renewable Energy Agency, the headquarter is in Abu Dhabi, UAE. You can say it important. South Asian Association for Regional Cooperation, headquarters is in Tamil Nadu. ASEAN, ASEAN ka headquarter kahan pa hai? ASEAN's full form is Association of Southeast Asian Nations, okay? Association of Southeast एशियन नेशंस एंड द हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। सो एंड एपेक का कहाँ पर है आपका, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एपेक का है आपका सिंगापुर में। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन ये है जेदाह में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ये है आपका एबेन मॉरिशियस। Now let's see, Organization for Prohibition of Chemical Weapons ये है आपका हेग द नीदरलैंड। आपको पता है नीदरलैंड एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, सो हेग नीदरलैंड में है आपका प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन्स का। नाउ बाकी नीचे आप देख सकते हैं फीफा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका है आपका ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। IAAF का है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इज मोनाको। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का है आपका मोनाको। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, दुबई UAE। नाउ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का आपका कहाँ पर है हेडक्वार्टर, इट्स इन लॉसान स्विट्जरलैंड। फाइड FIDE फाइड का कहाँ पर है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे एकिस और वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ये देखिए ऊपर हमने पहले करा था क्रिकेट काउंसिल, ये था आपका दुबई UAE। देन हॉकी फेडरेशन का है आपका लॉसान स्विट्जरलैंड। देन आपका वर्ल्ड चेस फेडरेशन का है आपका एथिन्स ग्रीस। नाउ IUCN कहाँ पर, IUCN का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है आपका, IUCN फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द हेडक्वार्टर्स इज इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ICANN का हेडक्वार्टर्स किधर है, लॉस एंजलिस USA। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का है आपका म्यूनिख जर्मनी एंड MSF का है आपका जेनेवा। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन लेते हैं आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहला है लोनार महाराष्ट्र, छिलका आंध्र प्रदेश, लोकतक मणिपुर या रोपकुंड उत्तराखंड, बताइए। द करेक्ट आंसर इज लोनार महाराष्ट्र, लोनार महाराष्ट्र इज द इनकरेक्ट आंसर, मतलब ये मैच सही नहीं हुआ ओके। चिल्का आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है, लोकतक लेक इज इन मणिपुर ये भी ठीक है, रूपखंड इज इन उत्तराखंड ऑल्सो करेक्ट, लोनार एम महाराष्ट्र इज इन करेक्ट। सो द एट क्वेश्चन, हु वॉज स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है आपके, देख के बताइए। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, रघुवीरा रेड्डी या पवन कल्याण, बताइए जरा। एंड द करेक्ट आंसर इज YS जगन मोहन रेड्डी, जो YS जगन मोहन रेड्डी जी थे इनको न्यू चीफ मिनिस्टर चुना गया आंध्र प्रदेश का 30 मई 2019 में, ठीक है। पुलेला गोपीचंद इज द चीफ नेशनल कोच ऑफ
the Indian team as of June 2019? पुलेला गोपीचंद जो है वो कौन सी इंडियन टीम के कोच जो है नेशनल इंटरनेशनल कोच चुने गए कब से? जून 2019 से? बैडमिंटन, आर्चरी, बास्केटबॉल या टेबल टेनिस? एंड द आंसर इज बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद ये बैडमिंटन के चीफ नेशनल कोच चुने गए जून 2019 में। नाउ 10th क्वेश्चन इज, इन मई 2019 द किलोग्राम वॉज रीडिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 130 ईयर्स। इट विल नाउ बी रीडिफाइंड बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर नोन एज। बताइए जरा, किलोग्राम जो है वो रीडिफाइन हुआ है पहली बार 130 सालों में, और अब जो है ये रीडिफाइन होगा अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नेचर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। उसको क्या कहा गया है? एज मैग्नेटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? एंड द आंसर इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, किलोग्राम, प्लैंक्स कांस्टेंट। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर? वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर कौन सी है इसमें से? आप बताइए जरा देख के, गोमती, कृष्णा, महानदी या फिर साबरमती? एंड द आंसर इज साबरमती। साबरमती इज द वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर। 12th इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट डज IFSC स्टैंड फॉर? अब आपने बैंकिंग में आपने एक ये सुना होगा IFSC कोड होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस IFSC? इज इट इंडियन फंक्शनल सिस्टम कैलकुलेशन, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड, और इंडियन फाइनेंशियल सिक्योर सोशल कोड? एंड द आंसर इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ना ही ये सिस्टम कैलकुलेशन होता, ना ही ये स्ट्रक्चरल कोड होता कोई, ना ही ये कोई सोशल कोड है। ठीक है, इट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज IFSC। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन नाउ, एंड द 13th क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? जो भी आपका हैबिटेट धरती पर, ठीक है, लैंड पर जो हैबिटेट स्थित होता है, चाहे वो डेजर्ट्स पे हो चाहे वो फॉरेस्ट में हो, तो उसी हैबिटेट को आप बोलते हो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सो द आंसर इज ग्रासलैंड, स्वैम्प, लगून या पॉन्ड? द आंसर इज ग्रासलैंड। ठीक है, ये है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल, दैट इज ग्रासलैंड। ना ही स्वैम्प, ना ही लगून और ना ही पॉन्ड, ये सारे वाटर वाले आ जाते हैं आपके। सो इट इज टेरेस्ट्रियल में आ जाता है आपका ग्रासलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, आंसर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर? कौन सा इनमें से निम्नलिखित जो लेख है, टेक्स्ट है, वो डिटेल अकाउंट देते हैं कश्मीर के किंग्स के बारे में, कश्मीरी किंग्स के बारे में डिटेल अकाउंट देते हैं? क्या ये कथा सरित सागर है, राज तरंगनी, दीप वामसा या विनय पिताका? एंड द आंसर इज राज तरंगनी, राजा तरंगनी। ये आपके वो टेक्स्ट हैं जो कश्मीरी किंग्स के डिटेल अकाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 15, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी? ये पहली, ये सेकेंड कौन सी कंट्री थी, ऐसी कौन सी सेकेंड कंट्री है जिसने जो है क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी डिक्लेयर करी? इज इट कैनेडा, नॉर्वे, आयरलैंड और भूटान? द आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड ने क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी डिक्लेयर करी। अब इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी तो ये कौन सी थी? ये थी आपकी स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड ने सबसे पहली बार जो है बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। कब करी थी? 28 अप्रैल को। एंड पार्लियामेंट, स्कॉटिश पार्लियामेंट डिक्लेयर आ क्लाइमेट इमरजेंसी, मेकिंग स्कॉटलैंड द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। नाउ द 16th क्वेश्चन इज, इन द कैबिनेट ऑफ 17th लोकसभा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फाइनेंस मिनिस्टर? 17th लोकसभा में किसको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में चुना गया? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर स्मृति ईरानी? एंड द आंसर इज निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी को हमारा फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में चुना गया। अब देखते हैं राजनाथ सिंह जी ने कौन सी
जो है आपकी मिनिस्ट्री संभाली, राजनाथ सिंह के पास गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है आपकी राजनाथ सिंह के पास गई, जो कि पहले किसके पास थी, निर्मला सीतारमन जी के पास। अमित शाह जो है आपके, ये बन गए आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी के पास आपकी कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड मिनिस्ट्री कौन सी है स्मृति ईरानी के पास, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। बाकी राजनाथ सिंह के पास क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये हम कर चुके हैं। बाकी निर्मला सीतारमण जी के पास जो है, निर्मला सीतारमण जी के पास एक तो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इन्हीं के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज ऑल्सो हेडेड बाय निर्मला सीतारमण जी। ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेवन caused by the deficiency of, and it is caused by the deficiency of potassium. Potassium की deficiency से जो है आपका hypokalemia होता है। Now calcium, iodine and iron. Calcium की deficiency से आपको क्या हो सकता है, क्या problem जो है आपको, बीमारी हो सकती है, ये हो सकती, ये होती है आपकी osteopenia, या फिर आपने एक नाम सुना होगा osteoporosis, osteo फरोसिस, ये हड्डियों की बीमारी है आपकी, ठीक है, ये होती है आपकी कैल्शियम की कमी से। नाउ आयोडीन की कमी से आपको क्या होता है, गोइटर, GOITER, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। और आयरन की कमी से आपको सभी को पता है एनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए सत्रिया, सत्रिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला या कुचिपुड़ी ओडिशा, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब इन सब में से गलत कौन सा मैच्ड है। दो आंसर इज कुचिपुड़ी ओडिशा इज रॉन्गली मैच्ड, इट इज इनकरेक्टली मैच्ड। सत्रिया असम, सत्रिया इज डांस फॉर्म ऑफ असम, भरतनाट्यम इज डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म ऑफ केरला, कुचिपुड़ी इन ओडिशा इज इनकरेक्ट। ओडिशा की जो है डांस फॉर्म है कौन सी, ओडिशा की डांस फॉर्म है आपकी ओडिसी, ODISSI, द डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा इज ओडिसी। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इसमें से जो है कौन सा आर्टिकल है जो कहता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है आपकी, वो एक साथ कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को। वो अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 35, आर्टिकल 302, आर्टिकल 75 या आर्टिकल 29, एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब आर्टिकल 35 आपने करा ही था, 35A क्या था, ठीक है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा उठा था उसमें आपका 35A डिस्कस हुआ था। नाउ आर्टिकल 302, आर्टिकल 302 क्या कहता है आपका, ये बोलता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, जो आपका आर्टिकल 302 देता है पार्लियामेंट को पावर, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि जो पार्लियामेंट है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किस पे, आपके ट्रेड पे, आपके कॉमर्स पे, और जो आपका इंटरकोर्स लेन देन है आपका देशों के साथ या आपस में विद इन बाउंड्रीज, इसको जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक लगा सकता है उस पे। और ये कौन कौन सा आर्टिकल उसको पावर देता है पार्लियामेंट को, ये देता है आर्टिकल 302। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आर्टिकल 229, आर्टिकल 29 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज,
माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके इंटरेस्ट को जो है आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये आपको पता होगा माइनॉरिटीज में कौन आते हैं, आपके जैन्स है ना, जैन वगैरह ये सब आते हैं आपके माइनॉरिटीज में, तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका आर्टिकल 29 जो है बनाया गया है। नाउ क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंक्लूडेड इन फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 फॉर डिटेक्टिंग अ व्हाट्सएप बग दैट वायलेटेड अ प्राइवेसी ऑफ यूजर 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 में कौन सा जो है ये डिटेक्ट जो है आपका इंक्लूड किया गया था, किस लिए, जो व्हाट्सएप में एक बग था, ठीक है, व्हाट्सएप बग था एक जो कि प्राइवेसी को हिंडर कर रहा था। ये है आपका जोनल सोगई जाम, जोनल सोगई जाम, ठीक है, ZONAL SOUJAI सोगई जाम। सो लेट्स कम टू 25th क्वेश्चन इज द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। सलाल प्रोजेक्ट जो है आपका कौन से रिवर पे बना हुआ है, इज इट मंजरा, चेनाब, भीमा और कृष्णा, एंड द करेक्ट आंसर इज चेनाब। सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब रिवर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में। आपने पहले करते हैं हम नर्मदा नदी जो है आपकी, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है आपके नर्मदा नदी पे है। फिर है आपका सतलुज, सतलुज रिवर पे है आपका सरहिंद प्रोजेक्ट, सरहिंद SARHIND सरहिंद प्रोजेक्ट, ये आपका है सतलुज रिवर पे। फिर आपका कावेरी रिवर डिस्कस करते हैं, कावेरी, कावेरी रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, कावेरी रिवर पे है आपका शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, SHIV शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, ये है आपका कावेरी रिवर पे। ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, ये है आपका बकाए, BKAIPROJECT ताप्ती रिवर पे आपका बकाए प्रोजेक्ट। झेलम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, झेलम रिवर पे है आपका उरी पावर प्रोजेक्ट, URI मूवी भी आई थी ना, उरी पावर प्रोजेक्ट, उरी पावर प्रोजेक्ट इज ऑन झेलम रिवर। कृष्णा, कृष्णा नदी पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, ये है आपका नागरजुंगा सागर प्रोजेक्ट, नागरजुंगा सागर प्रोजेक्ट इज ऑन कृष्णा रिवर। नाउ सतलज, सतलज रिवर, सतलज इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर सतलज। पावना, पावना रिवर पे PAPANA पावना रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, एंड इट इज भीमा, भीमा प्रोजेक्ट, भीमा प्रोजेक्ट है आपका पावना रिवर पे, ठीक है। आई होप ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं आपको पता चल गए होंगे। नाउ अनदर रिवर, एक और डिस्कस करते हैं हम आपका भागीरथी, भागी BHAGI भागीरथी, भागीरथी रिवर पे आपको कौन सा जो है आपका प्रोजेक्ट है, ये है आपका तेहरी डैम प्रोजेक्ट, तेहरी डैम प्रोजेक्ट TERRIDAM तेहरी डैम प्रोजेक्ट है आपका भागीरथी रिवर पे। सो गाइज आई होप ये जो आपको स्लाइड है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकती थी इस स्लाइड के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, वो मैंने दे दी है। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से आएंगे कुछ नए 25 क्वेश्चंस के साथ। अब इससे क्या है, हम क्वेश्चंस तो 25 करते हैं, लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ जो है इतने सारे उसके
बाकी क्वेश्चन से प्रोवाइड कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल आप डैम का ही आप ये ले लीजिए, प्रोजेक्ट ले लीजिए आपने, हमने जो सामने डिस्कस किया। क्वेश्चन तो ये एक है लेकिन इस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन जो है आपके एक्स्ट्रा बना दिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन में हम कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन जो है आपके कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्सअप दे दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, टेक केयर।